बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मग केक, स्टीम मग केक बनाऊँगी मैं, उसको हम स्टीम करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये बिस्कुट लिया है, ये मेरे पास है, ये वाला सुपर का बिस्कुट है, चॉकलेट वाला। ये मैंने 8 बिस्कुट लिए हैं इसके अंदर, और ये वाला दूसरा बिस्कुट मेरे पास है, चोकोलावा वाला बिस्कुट। ये मेरे पास 6 बिस्कुट हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। दूध यूज़ करूँगी मैं इसके अंदर, 4 से 5 चम्मच हम इसके दूध यूज़ करेंगे। बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ऑयल यूज़ करूँगी मैं 1 टीस्पून, और इसको मैं इस तरह से ये मग में बनाऊँगी। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसके अंदर डालूँगी, अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून, मिक्स करेंगे इसको। दूध डालेंगे, पहले मैं 3 चम्मच डालती हूँ, सॉरी टेबल स्पून लेना। अच्छे से मिक्स करूँगी इसको मैं, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और ही डाल रही हूँ मैं, टोटल 4 चम्मच गए हैं इसके अंदर। चलो जी, ये मिक्स हो गया। अब मैं इसको फोइल से कवर करूँगी, इस तरह से मैंने एक पीस काट लिया था। चलिए अब मैं दूसरा बना लेती हूँ। मैं इसके अंदर ये बिस्कुट डाल रही हूँ, ये थोड़े बड़े साइज़ के थे इसलिए इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही है। बेकिंग पाउडर डालूँगी 1/2 टीस्पून, ऑयल डालूँगी 1 टीस्पून, मैं इसके अंदर डेरी मिल्क डाल रही हूँ, बबली आई है मेरे पास। एक्चुअली मैं ये अपनी छोटी सिस्टर का बना रही हूँ ये वाला, उसने कहा था अंदर डेरी मिल्क डालनी है, तो मैं ये इस तरह से चलो कवर कर दूँगी इसको भी मैं। और उसको स्टीम करने रखते हैं। यहाँ पर मैंने ये पानी लिया है और इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है पतीली के अंदर, और पानी बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये रखूँगी, मैं इसको कवर कर दूँगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको पकने में, और मैंने इसको बाहर निकाल लिया और ये बिल्कुल ही पक चुके हैं। अब मैं इसको सर्व करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया, और दोनों के ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं, ये सिल्वर गोल्ड स्प्रिंकल्स हैं इसके, और चॉकलेट जो मैंने बिस्किट वाला मेरे पास मग केक है और उसके ऊपर ये स्प्रिंकल है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अब मैं आपसे टेबल में मिलती हूँ।